बहुत अच्छी फिल्म थी और सुजीत सरकार इज ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड और उसको मिलने आया हूँ मैं अक्सर पार्टीज में नहीं आता हूँ एंड इट्स अ रेयर मोमेंट आई गॉट आउट मैं बहुत खुश हूँ सुजीत के लिए और इसके पार्टनर रॉनी के लिए और परफॉर्मेंसेज सुपर लिटिल थे द फिल्म वॉज आउटस्टैंडिंग जी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि विकी डोनर हमने प्रोड्यूस किया सुजीत के साथ उसके बाद मद्रास कैफे उसके बाद आज पीकू भी बहुत अच्छी चल रही है सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग वी ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा और यही हो रहा है और हर सिनेमा का मिक्स होना चाहिए सो देयर इज अ नाइस मिक्स ऑफ सिनेमा तो खुश हैं हम लोग I don't like this word proud. I'm really happy for the film, for the team, for Deepika, you know, for Juhi, Sujit, Bachchan Saab. I'm really happy for the team. I'm really happy for the audience that they got something interesting to watch and they acknowledged it. And it's a great feeling that, you know, our audience is evolving, they're maturing, they're demanding, you know, fresher entertainment. And that's fantastic sign for the industry. कोई बात नहीं अगर इसके लिए पत्ता कटता है तो आपको लगता है ये सवाल करना चाहिए आप देखेंगे अगर आप ये बताइए अगर सिर्फ वही फिल्में बनती रहेंगी जिसमें हीरोइन हो तो फिल्में यू नो सब तरह का पूरी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए सिनेमा को अब तुम बोल ही दो यार पोलाइट आदमी है बेचारा हाँ यू सी इन द फिल्म दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू हर Why personal? It's you see whatever we had we shared in the movie and you can see. Yeah, Sujit ne tweet kiya tha. It's I think it's in true sense it's three generations which are there together and they are bringing their own input. You know, Bachchan saab apna school film ka hai. Us tarah ka unhone entertain kiya hai logon ko. Mera jo manna hai, मैंने उस तरह से किया है एंड देन दीपिका जो इतनी फ्रेश उसकी अप्रोच है इतनी स्पॉन्टेनियस अप्रोच है उसकी जो कि अभी मेन स्टार वही है जो पीकू की पोस्टर पर जो बिंदी है वो बिंदी वही है डायमंड वही है फिल्म का यू नो जहाँ तक मतलब लोगों के सामने पोजीशन करने की बात है लोगों को बताने की बात है सो दिस इज ट्रू दैट देयर आर थ्री जनरेशंस एंड ऑल ऑफ देम केम टुगेदर एंड यू किस चीज़ का है अब तुम टॉलीवुड फिल्म हॉलीवुड यस व्हाट डू आई हैव टू से यस देर आर डिफरेंसेस एंड वन ऑफ द डिफरेंसेस हियर समटाइम्स एन एक्टर कैन सस्टेन हिज करियर थ्रू मीडिया You know, through media, and there sometimes it's not possible. You have to prove yourself. I think ऐसी हमारे जैसे और कई लोग हैं जिनकी लाइफ ऐसी है, you know, parents रह रहे हैं साथ में बच्चों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, busy life है बच्चों की. उसमें किस तरह से, you know, you need to take care of your parents. यही इस discussion से start हुई थी फिर. पहला डिस्कशन वॉज इसी के बारे में यू नो द डिफ़िकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन दीज डेज आजकल जो भी लाइफ स्टाइल है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आ जाती है और जब डिस्कस करते करते ये लगा कि शायद ये सबकी लाइफ आजकल वैसी है तो वी थॉट फिल्म बनाने का इसमें मटीरियल है मैं कुछ नहीं करती जो लोग करते हैं वो अंदर है मैं थोड़ा सा बैडमिंटन खेलती हूँ कभी कभी और खुश रहने की कोशिश करती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू I think the audience only accepts good films. It doesn't matter if they're women-orientated or male-orientated. And I think that Piku is an ensemble cast. And I think the credit goes equally to Piku, which is Deepika, Irfan, and Bachchan Saab. I think they're all outstanding. So I don't think it's about male and female. I think it's just a fitness. Thanks to the same trainer as Deepika, we both go to the amazing Yasmin Karachiwala, jo hum sabko fit rakhti hai. I think fitness is a lifestyle, so wo ek aadat honi chahiye. और ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है सो या आई ट्रेन रेगुलरली एंड आई एम समबडी विद अ लॉट ऑफ इंजरीज तो आई एम अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू स्टे फिट इन स्पाइट ऑफ स्लिप डिस्क इरफान के बारे में हम सब यही कह सकते हैं कि वो एक एक्टर नहीं है
वो कुछ अलग ही हैं. वो हमेशा हर चीज़ को असलियत बना लेते हैं. ऐसे लगता है यो वॉचिंग समथिंग रियल, इट्स नॉट एक्टिंग. एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम हिम. इंशाल्लाह वन डे आई गेट अ चांस टू वर्क विद हिम. आई वाज सपोज्ड टू डू समथिंग इन मकबूल, उस वक्त मैं नहीं कर पाई एंड इट्स अ बिग रिग्रेट, बट मे बी इन द फ्यूचर. जी मैं एक फिल्म शुरू करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट टू मंथ्स. वंस द प्रोड्यूसर्स टेल यू देन यू विल नो. आई स्टार्ट शूटिंग आई थिंक इन ऑगस्ट सितंबर एंड टू न्यू सॉन्ग्स. आई थिंक दिस इज अ सिंपल पार्टी. आई थिंक लाइक सिंपल तामझाम. वेल डन गाइस. I'd like to believe so. But like, I don't want to get into this whole feminism zone or women's empowerment. I think we've begun to sort of misconstrue that a little bit. I think all we're looking for is equality in every way, whether it's the kind of films that we get or the kind of roles that we get or the kind of money that we make. I think one is just really looking for equality, and I think we're definitely headed in the right direction. And I think good scripts and very, very strong female parts is a good beginning. And you know, I think I've always been. I don't think I've ever, and I think you can see in my body of work that I don't think I've ever just stuck to doing one kind of cinema. I've done, you know, I can do a piku, but I also do, you know, like different kinds of films. And again, I won't do a woman-centric film for the sake of doing a woman-centric film. It has to excite me, like Piku has. It has the subject and the story has to be exciting. I have to find the character challenging. I have to find the film exciting, and then I'll definitely do it. I wouldn't do it just for the heck of doing it. Piku, again, you know, was one of those films that I completely identified with. I believe it's the story of you and me. It's the story of every girl. It's the story of every family. It's a story that I was excited to tell, and you know, something that I was excited about. So if something like this comes my way, most definitely. So 1 minute, huh? Sorry. Any of us expected this kind of a reaction? I would be lying if I said that I didn't expect people to like Piku. Because that's why we do films. We sign films because we know that somewhere deep down inside, or we hope that somewhere deep down inside, people will identify with it, they'll like it. I thought, chalo, you know, they'll go to the theater, they'll say, acha, you know, achhi film hai, and they'll leave. I really did not expect for the audience to start taking ownership of the film. And that's what I've been saying. I feel like the film is beyond even our control now, because the audience, whatever promotion, publicity is happening, the audience is doing, you know. And I think that it's an extremely overwhelming feeling, almost very, very emotional. And I really, like, so much love, so much acceptance, I don't think any of us expected. I have no reason to be there. I'd love to be there. मैं एक साल एक बार गई थी बहुत बहुत पहले, but I think I just started my acting career at that time. But that was related to a brand. Again, if it's brand related, I don't know. Let's see. But I would love to go with the film. I haven't seen pictures, but I do believe that it's a huge platform. And I'm extremely proud of her and everyone, Sona, Aishwarya, everyone who's going. I'm extremely proud of them. And actually, in the last 10 days, I don't think I needed to work out, because we just finished shooting a song for Bajirao Mastani, and Priyanka and I were dancing for 8 or 10 hours a day for 10 days non-stop. So it has been very, very hectic. Now, with the promotion coming to an end, maybe I can go back to my, like you said, Pilates. Okay, thank you. I'm looking forward myself to watch Bombay Velvet. I think it's one of the most anticipated films of the year.
my friends are working in it. I'm a huge fan of Anurag Kashyap and his work. So maybe in the next couple of days, when I'm over this whole Piku high that we're all on, I'll go and watch the film. As far as both the films are concerned, I think the films are very, very different. And that will have a different kind of audience, and Piku has a different kind of audience. And it's very easy in today's time for different kinds of films to coexist very comfortably. आप आए हैं तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करूंगी। आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर टू से विच वन इज दिस थिंग एज अ फिल्म एज अ होल टू मी इट्स लुकिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग ऑन पेपर व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई थिंक एवरी कैरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली टू द सक्सेस ऑफ दैट टू दैट फिल्म एंड व्हाट दैट फिल्म विल बिकम इवेंचुअली So yeah, it's never really the size of the role, but how special you feel. Okay, thank you. Log film mein meri tareef but I will give him the credit for that because I think he has just made me look like a much better artist and a much better performer. I think when you're working like people like Amit Ji, when you're working like with people like Irfan, they bring out the best in you. And I consider myself extremely fortunate कि मुझे अमित जी और इरफान दोनों के साथ एक ही फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला। A lot. I'm sure you've seen the film. There's a lot of comic moments. And as actors, it's very difficult to keep a straight face and do that because just the same way the audience is finding it very funny. We also find it really funny, but we still have to go there and do it like a scene, perform it like a scene. So it was really difficult. In fact, in one of the scenes, nobody has picked it up yet, but in one of the scenes, I'm actually smiling throughout when I'm not supposed to, because I found one of the scenes really. The only films I have right now are Tamasha, which is releasing on the 27th of November, and I think Bajirao Mastani will release on the 18th of December, I think. And that's it. I haven't signed anything outside. Thank you. Your days are too early. Mine are pretty old. They've been accepting it for a very long time. ऐसे लग रहा है आपको कि खड़ा है? बस वो ठीक ही है. Good, really good. No, we never expected it to do so well, but I really want to thank all the audience and all the people that have gone and seen it because it is the audience that has made this film, and I'm sure Shujit will agree with that. नहीं अब हमारी हैसियत नहीं है टीम को स्पॉन्सर करने की लेकिन कल का मैच कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गेम था पहली दफ़े मैं गया वहाँ बहुत ही सक्षम कलाकार और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे और दीपिका को क्या कहें हर फिल्म में वो इतना खूबसूरत अभिनय कर रही है कितने छलांग मारी उन्होंने इस दिशा में ये अद्भुत है और इरफान तो बहुत ही सक्षम कलाकार हैं उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं जितने भी हैं सब मैंने पीकू एक्चुअली दो दिन पहले ही देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी बहुत अच्छी पिक्चर है बहुत फन पिक्चर है एंड ऑनेस्टली आई थिंक ऐसी पिक्चर को इनकरेज करना चाहिए इसलिए हम लोग इधर आए हम लोग प्रमोशन में बिजी थी ABCD2 के बट बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म आई थिंक दिस विल नीड टू बी सपोर्टेड एंड अच्छा गया आई एग्री आई फील दीपिका ने बहुत स्वीटली बुलाया था उनकी स्क्रीनिंग के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गई थी बिकॉज नहीं तो आई वुड हैव मिस सीन सच अ गुड फिल्म लाइक पीकू ये बस दिखाता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आर समथिंग दैट्स रियली वर्किंग And people should definitely go and watch Piku because it's a great film with great performances. ऐसा इतना मतलब मेरे को इतना कठोर इंसान बना दे कि मैंने टर्न डाउन कर दिया था एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे उस वक्त और ऑब्वियसली इन्होंने भी मस्ती में ऐसा ही किया था ऐसा कुछ नहीं कि मतलब
कुछ दिल विल कुछ ऐसा तोड़ा नहीं था जैसे, पर हम हमेशा से दोस्त रहे तो हाँ, exactly. हमारे डैड जो है उन्होंने इतनी फिल्में की है साथ में और मेरा चाइल्डहुड क्रश था वरुण, पर अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बने। ये भी मेरी चाइल्डहुड क्रश थी पर मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का था तो मैंने कभी बोला नहीं, बट वी हैव एक्चुअली बीन फ्रेंड्स बिफोर हम लोग एक्टर्स बने, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको चांस मिलता है अपने दोस्त के साथ काम करने का। आज के दिन तू कर ले क्या प्रपोज, इन्होंने शादी कर लिया ना, शादी कर ली, शादी की है ना इन्होंने, ये पीछे से सब हाँ बोल रहे, सब सबको पता है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बहुत अच्छा रहा बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिलवाले, ऑब्वियसली इट्स अ बहुत बड़ी पिक्चर है, शाहरुख सर है एंड रोहित सर है, सो आई थिंक वो जब रिलीज के टाइम आएगा तो तब। सर मॉडर्न डे तांडव इट्स कंटेम्प्रेरी टाइप का गाना है, अरिजीत सिंह ने गाया है, नाम है माँ की चुनरी एंड ज़्यादा जैसे मैंने कहा बहुत ही इमोशनल गाना है जो पिक्चर में दिखेगा। वी आर थिंकिंग कि हम लोग शायद रिलीज़ करें या वो वीडियो नहीं रिलीज़ करें क्योंकि हम लोगों को पिक्चर में बहुत सरप्राइजेज है, बट वन सॉन्ग जो जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ श्रद्धा एक्साइट प्रभु देवा का गाना जो अभी सुन आएगा। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ विद प्रभु सर सॉन्ग ऑल्सो बट ऑल्सो वरुण सॉन्ग, सबने वरुण को देखा है पहले डांस करते हुए, पर ये जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल वरुण ने किया है माँ की चुनरी में मतलब मेरी आंखें निकल गई थी एंड कोई हीरो ने ऐसा कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया नहीं है ऑन द बिग स्क्रीन, तो रेमो सर ने बड़ी अच्छी तरह से सोच के कि वरुण ने क्या नहीं किया है पहले तो उससे वो करवा दे, दैट्स व्हाट ही इज मेड हिम डू। मैं सॉरी हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आंसर करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा बहुत शाय हो जाती है इफ़ एनीवन आस्क्स कि व्हाट फीडबैक यू गॉट, बट मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में है या बाहर है सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर शॉक्ड। मुझे हमेशा से पता था कि ये शी द डांसर एंड शी कैन डांस, बट लोगों को नहीं पता था, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स स्पेशली आले करे यार हू डिड दिस, वी डिडंट नो यू कैन डू दिस, एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे लेके यूट्यूब पे लेके आई थिंक अभी ऊपर हम लोग थे तो इरफान सर ने बोला तो तब जाके आई थिंक नाउ यू बिलीव दैट यू गुड और नो, उसको अभी भी वो बोलती नहीं है, वो बहुत शाय हो जाती है जब उनसे। आई फील लाइक जो ट्विटर पे खास करके यू नो आवर वेल विशर्स व्हेन दे से गुड थिंग्स टू यू, आई थिंक देयर इज नो बिगर प्रेज देन इट कमिंग फ्रॉम योर फैंस एंड फ्रॉम द ऑडियंस, तो जब उनके मैसेजेस आते हैं क्योंकि वो ही एक वन ऑन वन कनेक्ट है, तो उनके मैसेजेस आए सुन साथ के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। ये एक्चुअली संस्कृत में लिखा एक श्लोक है एंड मेरा जो कैरेक्टर है सुरेश उसके पास काफ़ी टैटूज़ है, काफ़ी टैटूज़ जो रेमो सर के असली टैटूज़ है उनसे हम लोग ने लिया है और डिज़ाइन किया है, एंड सुरेश का कैरेक्टर अपनी माँ के साथ बहुत सीक्रेट है पिक्चर में, सो इट्स अ श्लोक ऑन द मदर एंड एंड द अर्थ एक्चुअली, तो उसके ऊपर है एंड जस्ट जनरली वी ओके सो वी आर हियर टू विश टीम पीकू, हम लोग ने ABCD2 के बारे में बहुत बात कर ली है, बट so just congratulations guys, to the entire team. Watch Piku, it's a if you haven't watched it, please. Apni tickets just go and watch. Go and watch movies to everyone. I just want to say, please go and watch. Haan, theater mein jaake picture dekho. Theater mein. Thank you. Thank you guys.